किराया अलग लगता है? कितना किराया लगता है आपका जाने आने का? जी सर मेरा किराया नहीं लगता है, मैं तो ये पास में ही करती हूँ। जैसे सरकारी बस में तो लगता नहीं है किराया। बस ज्यादा बोलो ना, दस रुपया जाने के लिए। नहीं तो आप बैटरी रिक्शा से जाते हो या बस से जाते हो? नहीं बैटरी रिक्शा से। तो बस से क्यों नहीं जाते हो? बस है नहीं, बस इंडस्ट्रियल नहीं जाते, बाहर से जाते। अच्छा अच्छा। मैं तो पानी का काम करती हूँ सर, बीमार भी हो जाती। पानी क्या? पानी दाना धुलाई करती हूँ, तो 8-10 घंटा तक दाना धोते रहो। अच्छा पानी पानी में? अच्छा, हाँ। फैक्ट्री में धोते हैं जी, दाने को? जी पानी में ही पड़े रहते हैं। पानी का काम करते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, देखने वाला नहीं। तो आपके यहाँ इधर ट्रेड यूनियन के लोग नहीं आते? जी नहीं सर। कोई आपका जी नहीं है? कोई तो ऐसा कुछ कोई जानकारी दे, कोई आपके लिए थोड़ा सा जवाब डाले? नहीं नहीं नहीं। अब आप एक चीज समझो कि अगर आपको 6,500 अच्छा आपको पता है कि 8 घंटे के बाद जितने घंटे हम काम करते हैं उसकी डबल तनख्वाह हमको मिलनी चाहिए। हाँ जी सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर आप 12 घंटे काम करते हो तो पता कितनी तनख्वाह बनती है आपकी? जी 16,000 8 घंटे के जी, और 16,000 4 घंटे के, तो 16,32,000 रुपया कानून के अंदर 12 घंटे के मिलने चाहिए। जी सर नहीं मिलते, 6,000 भी मुश्किल से नहीं मिलते। बहुत बहुत 5-6 देता है। अभी ठंड आ गया तो ओवर टाइम भी नहीं करते हैं। अहू में बहुत आती जिक्र करता है, टाइम पर पैसा नहीं देता। परेशानी होते बेटा, ठंड में जाना में कोई कमाने वाला नहीं, जवान जवान बेटी सब पड़ी हुई। आप लोगों के पास अखबार आता है कुछ? नहीं आते, नहीं आते। झुग्गी झोपड़ी में कोई पढ़ाई? आप लोग बैठ के आपस में चर्चा नहीं करते हो इस मुद्दे के ऊपर कि भाई हमारी फैक्ट्री में क्या क्या चीज मिलनी चाहिए हमको, क्या नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग जैसे जैसे हम लोग कहेंगे भी कि हम लोग ये चाहिए इतना तनख्वाह दो, तो फैक्ट्री वाला देगा ही नहीं तनख्वाह इतना, फिर मना करेगा। जैसे लड़ाई भी करेंगे तो मना कर देगा, कहेगा भाई काम पर से जाओ आप, तुम छुट्टी करो। एक और बात बताओ, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC, ESI का नाम सुना आपने कभी? जी जी सुना ना, वो लगता है आपके ऊपर? जी नहीं। कितने लोग काम करते हैं आपकी फैक्ट्री में? हमारे फैक्ट्री में मुश्किल से 10 जने काम करते हैं, अभी खुले हैं वो। अभी 10 आदमी भी काम करते हैं तो ESI लग जाता है? मशीन से, बिजली से चलती है ना मशीन? जी। तो ESI लग जाता है, तो ESI से भी बहुत फायदा होता है। ESI का सबसे अच्छा फायदा क्या जी, है? ESI का जी, समझती जी, समझती। अगर आपके इलाज के लिए साल में 1 करोड़ रुपया भी खर्च हो, 1 करोड़ जी, तो ESI वाले करेंगे। हमने इस तरीके के हाई कोर्ट से ऑर्डर कराए हैं, कम से कम नहीं तो हिंदुस्तान में 25 साल से काम कर रहे हैं सर, कहीं नहीं ESI बना। कहीं ज्यादा दिन हो जाते हैं, ज्यादा पुराने जैसे हो जाते हैं तो हटा देते हैं। आदमी लोग भी काम करते हैं फैक्ट्री में? हाँ सारे लड़के आदमी लोगों को क्या देते हैं वो तनख्वाह? 8,000-9,000 देते हैं। मतलब आदमी लोगों को 8-9 हजार देते हैं 12 घंटे के? जी 8,000 से लिया 7,000, 7,000 है, 8,000 है सैलरी। 10-12 हजार रूपए देता है। आपकी मम्मी आ गई ड्यूटी पर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, आप लोग अच्छे। काम जो है ठेके के अंदर होता है, फैक्ट्री के ठेके वाले ले लेते हैं। ठेकेदार जो है ना उनसे काम करवाते हैं, मालिक भी काम करवाते हैं। ठेकेदार लेकर पैसा भाग जाता है, ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया। क्या कह रहे हैं? ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया, अभी तो लोगों ने दिया ना आया। आपके? हाँ, बहुत दिन हो गए। कहाँ है उसका पता है आपको? बस पता तो मैं भूल गई, उधर ढूंढो उसको, जरा मुझे बताओ, मैं उसको कानूनी नोटिस दे देता हूँ। एक मेरा कार्ड है आपको? बस दिया मैंने कार्ड आपको? अगर आप ढूंढोगे तो मैं उसको कानूनी नोटिस दे दूंगा कि आपके पैसे दे वो, ठीक है? ठीक है, मेरे बेटा ठीक है सर, आप कोई बात नहीं, धन्यवाद।